बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जुमातुल मुबारक 15 तारीख है, 15 अक्टूबर। ये तीन बच्चे ब्लैक टेल के प्लस एक रेड टेल का। रेड टेल आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये वही पीस है येलो के साथ, मगर ये बच गया था। येलो टेल के बच्चे निकल गए, चले गए, अल्लाह उनकी किस्मत में करे। और ये तीन ब्लैक टेल के पीस हैं और एक रेड टेल का, चार पीस है माशाल्लाह। किसी को वर्किंग के लिए चाहिए, कुछ दोस्तों को शौक के लिए चाहिए, या कुछ दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं उनको चाहिए, जिस भाई को भी चाहिए नीचे व्हाट्सएप पे रابطہ कर ले। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप रابطہ कर लें। मैं काशिफ अंसारी फैसलाबाद से, मुनासिब प्राइस है। कार्गो अवेलेबल है भाई नियर सिटीज़ में, एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। क्वालिटी चेक कर लें। एक बच्चे की कुशन में हल्की सी वाइटनेस है बैक पे नीचे। हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। जेंडर नॉट कन्फर्म है भाई, मेल फीमेल का कोई पता नहीं है, कितने पीस मेल हैं और कितनी फीमेल। तकरीबन 3-4 पर में जाएंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज अभी तो कुछ समय नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही बच्चे हैं। अच्छा, रेड को भी कुछ दोस्त कहते हैं कि रेड सिंगल पीस है, हम रेड को ब्लैक के साथ भी जोड़ सकते हैं और येलो के साथ भी जोड़ सकते हैं। येलो के साथ जोड़ेंगे तो येलो और रेड बच्चे ही आएंगे, और अगर हम इसको ब्लैक के साथ पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास ब्लैक और रेड बच्चे आएंगे। ये कॉम्बिनेशन इन्हीं दो कलर्स के साथ ये रेड अटैच हो जाता है। ब्लैक को हम येलो के साथ नहीं अटैच कर सकते और येलो को ब्लैक के साथ नहीं अटैच कर सकते क्योंकि वो आउट कलर हो जाएगा, मतलब कि वो कोई खास कलर नहीं बनेगा। चार पीस ये हैं, नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये दो पीस जेट ब्लैक, सेल्फ ब्लैक भी कहते हैं, जेट ब्लैक भी कहते हैं, जेट ब्लैक पंजाबी में चले गया और सेल्फ ब्लैक कलर का बता रहा हूँ। अभी देख सकते हैं इनके परों के ऊपर से, अभी इनकी वो येलो वाले चीख बच्चों वाला वो जो पर होते हैं वो भी नहीं अभी साफ हुए, मतलब कि ये अभी रेडी हो गए हैं, खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। किसी दोस्त को चाहिए होंगे तो उनको खाते पीते हुए की भी वीडियो मिल जाएगी इनकी, मतलब ये खुद से खाना दाना खा रहे हैं। उसी एज के हैं जो पीछे आपको ब्लैक दिखाए हैं। एक ही क्लच के दो बच्चे हैं, मुनासिब प्राइस है। व्हाट्सएप नीचे नंबर आ रहा है, रابطہ कर लें। कार्गो भी हो जाएगी नियर सिटीज़ में, किसी दोस्त को चाहिए तो वो प्लीज़ रابطہ करें। अच्छी ही टेल का साइज़ है, क्वालिटी भी अच्छी है। इंग्लिश ब्लैक, ये दोस्तों इंग्लिश में है, इंग्लिश की क्वालिटी आपको समझ लग गई होगी कैसी होती है। और आगे मैं आपको इसी कलर में मॉडर्न भी दिखाता हूँ, वो ज़रा कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा है वो, एक ही सिंगल पीस है ब्लैक में, वो भी दिखाता हूँ। और उनके साथ एक वाइट है, सेल्फ वाइट, वो भी सिंगल पीस है, वो भी इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये चीज़ देख लें सभी दोस्त, कलर भी देख लें दोस्त,
और साइज अभी और इंक्रीज होना है भाई टेल का साइज, क्योंकि अभी इनकी टेल में ब्लड है, तो जब तक ब्लड फिनिश नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, तो साइज इंक्रीज होता है। ये चीज़ आप देख लेंगे। तो भी सेल्फ इंग्लिश, दोस्तों ये मॉडर्न वाइट है, जीरो गली का बच्चा है। इसकी लुक आप देख सकते हैं, इसकी टेल का साइज, इसका खड़े होने का स्टाइल, रिंग बर्ड्स है माशाल्लाह, इंपॉर्टेंट रिंग है इसके पाँव में। टेल का साइज, खड़े होने का स्टाइल चेक करें। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दोस्तों को पता चल गया होगा, मॉडर्न और इंग्लिश में। अगर हम मॉडर्न और इंग्लिश को क्रॉस करेंगे तो सेंटर में जो बच्चे निकलेंगे उन्हें हम सेमी मॉडर्न कहेंगे। उनकी टांगें थोड़ी सी मज़ीद बड़ी होंगी, मगर ये भी, इनकी टांगें भी छुप जाती हैं पैमोज के अंदर, इनके बफ हो जाते हैं पाँव के नीचे बहुत ज़्यादा। और दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लैक पीछे खड़ा है बच्चा, ये चीज़ चेक करें, इसके खड़े होने का स्टाइल। जैसे ही जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो इसकी टांगों के ऊपर जो पर हैं टॉप वाले, जो इसकी बॉडी के साथ, वो बढ़ जाएंगे और इसकी ये सारी टांगें नीचे छुप जाएंगी। दो पीस ये हैं, सिंगल सिंगल पीस है भाई। हम इस पीस को जो मैंने पहले आपको इंग्लिश दिखाए हैं उनके साथ क्रॉस करेंगे तो सेमी मॉडर्न बच्चे निकलेंगे। सेमी मॉडर्न उनकी लुक यही होगी, टेल का साइज इससे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक मॉडर्न और इंग्लिश को जब हम क्रॉस करेंगे टेल का साइज और बढ़ जाएगा, और उसकी लुक यही स्टांस, बैक को गर्दन जाएगी और टेल पीछे से फ्लावर की तरह खुली होगी, तो यही चीज़ होगी वो भी, मगर उसका थोड़ा सा जिस्म और कह सकते हैं कि टेल का साइज बढ़ जाएगा। एक पीस वाइट मॉडर्न और एक ब्लैक मॉडर्न। जिस भाई को चाहिए होंगे सिंगल पीस है, नीचे व्हाट्सएप आ रहा है, उस पर रब्ता कर लें। क्वालिटी वीडियो में आप देख रहे हैं, ये बच्चे की टेल फुली गर्दन के अंदर आ रही है, जिस वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और सभी परिंदे अवेलेबल हैं जो आज की वीडियो में आपने देखे हैं, किसी दोस्त को चाहिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल,
और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको इजीली मिल जाएगी। दुआओं में सर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।